हाय रजनी मैम थैंक यू फॉर विद अ लिटिल इंट्रोडक्शन कैन यू मे योर लाइफ बिफोर यू बिकेम इंडियस डिटेक्ट क्या है कि बचपन में मैंने एक स्वभाव था कि सच की खोज करना और ये सच्चाई की वजह से मैं प्रोफेशन में आई कोई आदमी सामने से झूठ बोल रहा है और मुझे उससे पकड़वाना है तो मैं मेरा दिमाग लगा के उस आदमी की आइडेंटिटी सामने लाती थी ये मेरा बचपन का नेचर था तो ऐसे हम लोग जहाँ रहते थे वह हम हमारे पड़ोस में भी एक बंदा रहता था और उनके घर में हमेशा अनबन होती थी मिया बीवी में तो मैंने उनको वही पूछा कि अनबन की वजह क्या है उसकी वाइफ को तो उन्होंने बोला कि नहीं वो रोज इतना धंधे में पैसा कमाता है पर मुझे कुछ देता नहीं और हमेशा बताता है कि मेरा पाकिट मारा गया है तो मैंने बोला अगर हम सच्चाई क्या है सच में पाकिट मारा जाता है या और कुछ बात है वो हम चेक करते है तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ऐसे मत करो उनको पता चलेगा तो फिर वो मेरे को घर से निकाल देगा डर आदमी को कुछ भी करने को नहीं देता है तो मैंने उनको हिम्मत दी मैंने बोला कि ठीक है आप जैसे बोल रहे हैं तो वैसे हम लोग ट्राई करते है मैं अकेली जाऊंगी आप मत मेरे साथ आना जो भी बात सामने अगर कुछ सच निकला तो आप फिर आगे क्या करना है वो सोच लीजिए फिर उन्होंने क्या किया कि कि वो बोले ठीक है तू जा तो मैंने क्या किया मैंने मेरे को पहचान जाएंगे तो मेरे पास बुरखा था सहेली का दिया मेरे को मैं बुरखा डाल के उनका पीछा किया कि बिजनेस का शाम के टाइम पे उनका पैसा जब इकट्ठा जमा होता था तो ये पैसे का ये लोग क्या करते हैं तो पता चला कि उनको बार में जाने की आदत थी और जुआ खेलने की आदत थी और जुए में या बार में कहीं औरत के ऊपर पैसा डाला तो उसका पॉकेट मारा जाता था ऐसा वो बोलता था तो ये सब बातें को दो तीन दिन हमने फॉलो किया कि कैसा क्या है कभी बोलता था कि बस में पॉकेट मारा है कभी बोलता है कि गलती से कोई ने पैसा उठा लिया है ये तो ये सच्चाई क्या है वो उनके सामने मैंने उनके वाइफ के सामने रखी फिर वो वाइफ को थोड़ी हिम्मत आई और वो बोली वो जहाँ जाते हैं ना वहां ही मैं अचानक पहुंच जाती हूँ और वो उनके सामने गई उसमें काफी पंद्रह बिज़नेस हमारे चले गए और उसके बाद उन्होंने पूरा बिजनेस अपने हाथ में लिया और मेरी बोली मेरे को वो कहा कि थैंक्स के आपकी वजह से मेरा मेरे को सच सच्चा, सच्चाई का पता चला और मैं इस सब में बच गई तो आज मेरा पैसा मेरा संसार कहा जाता था मुझे पता नहीं था और बाद में उसने अपना बिजनेस हाथ में कवर कर लिया Could you tell us a bit about your journey into how you कुछ तय नहीं किया था मैं जॉब भी करती थी जब हमारा कॉलेज सुबह का था yeah. तो दस बजे फ्री होने के बाद क्या करने का पूरा दिन तो पढ़ाई नहीं करने का है मुझे तो मैं थोड़ा तीन तीन महीने के लिए जॉब करती थी तो जॉब करते करते मैं इन्वेस्टिगेशन का काम भी करती थी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि लोग उसको प्राइवेट डिटेक्टिव बोलते हैं हैं या कुछ बोलते तो कॉलेज में मेरे साथ जो लड़की पढ़ाई करती थी उसका बिहेवियर मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा और जैसे हम लोग लॉन में बैठे थे रूपाली कॉलेज की मैं स्टूडेंट हूँ तो हमारा बहुत बड़ा लॉन था तो लॉन में अब से सब अपने अपने, अपने ग्रुप में बैठते थे तो हमारा एक चार सहेलियों का भी ग्रुप था और उस ग्रुप में बैठे हुए सामने के लड़के ऐसे बोलने लगी कि देखो मैं ना मेरे पापा को मम्मी को बहुत बेवकूफ़ बनाती मैं बोत मैं पढाई कर रही हूँ और हम लोग मजे उठे हैं तो मुझे वो बात ठीक नहीं लगी कि अपने पेरेंट्स अपने को एजुकेशन के लिए इतना खर्चा करके डा डालते हैं और हम लोग उनका फायदा उठा रहे हैं तो बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये कितना गलत है तो इसके लिए मैंने क्या किया कि उनके पेरेंट्स का एड्रेस मेरे पास नहीं था तो कॉलेज के क्लार्क जो है उनसे मैंने बोला कि उनको सरप्राइज गिफ्ट देना है तो मुझे एड्रेस चाहिए क्योंकि स्कूल में सब हम लोग साथ में रहते हैं दसवीं तक तो सबका एड्रेस वगैरह अपने को मालूम होता है लेकिन इनका मुझे कुछ मालूम रहता तो बेचारे क्लार्क को पता नहीं चला उसने मुझे उसका एड्रेस दे दिया बोले चाह न सरप्राइज गिफ्ट देना है उनको बर्थडे का तो दे दीजिए फिर मैं उनके घर पर गई उसके पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी पढ़ाई के बहाने क्या करती है वो आप चेक कर लो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप झूठ बोल रही है मेरी बेटी तो बहुत तेज है पढ़ाई में और आप कुछ भी बोलते तो मैं भरोसा नहीं करूंगी तो उसके डेडी हसबैंड बोले कि नहीं नहीं मैं मुझे देखना है मेरी बेटी क्या बोल खिल रही है तो वो मेरे साथ आए मैंने उनको दिखा दिया तो उनकी बेटी के बुरे मेरे को भी में फंस रही है और वो उन्होंने देखा फिर वो होटल में गए उन्होंने बेटी के टप्पड़ मारा और टैक्सी से लेके घर पे आए उसको कॉलेज से निकाल दिया और बाद में गांव में दूसरी जगह भेज दिया अब तो तक उसको पता नहीं पड़ा कि वो काम मैंने किया था <laughs> फिर ऐसे छोटे छोटे काम करते 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 मैं मेरा एक बहुत बड़ा काम हो गया था एक प्रेस वाले थे का सिस्टर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उनका काम मैंने किया तो वो बोले कि आप तो बहुत ही आ, अच्छा काम करती है डिटेक्टिव का तो आपका अभी तक इंटरव्यू नहीं आया तो मैं मेरी पहचान के उसमें आपको इंटरव्यू देता हूँ तो उसने मेरा स्वी मैगजीन में इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू छपने के बाद मेरा इंटरव्यू इसमें और मैं न्यूज़पेपर में ऐड देने जाती थी तो लोग बोलते थे डिटेक्टिव अपने इधर है ही नहीं कोई और जो भी है वो पुलिस डिपार्टमेंट के या सिका, मिलिट्री कैंप के लोग होते हैं वो अपना सिक्योरिटी का काम करते हैं ये डिटेक्टिव वगैरह हमें कुछ मालूम नहीं तो हम ऐड नहीं लेंगे तो मुझे मालूम नहीं था ये बिजनेस कैसे करना है क्या करना है फिर जब मेरा इंटरव्यू आया और इंटरव्यू के बाद मेरा किसी ने इंग्लिश मैगजीन में आर्टिकल दे दिया और वो पढ़ के दिल्ली दूरदर्शन से लोग मेरे पास आए मेरा इंटरव्यू करने के लिए जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते है लोग उनका एक उनको एपिसोड का प्रोग्राम बनाना था तो एक स्विमर थी, एक और कोई थी घोड़सवारी करने वाली थी ऐसे अलग अलग काम करने वाले लोग तो वो मेरे पास आए और बोले कि आपका इंटरव्यू करना है तो मैंने बोला किस सिने में तो बोले नहीं आप डिटेक्टिव का काम करती है हमें पता चला तो हमें थोड़ा और ऐसा सब दिखाने तो मैंने बोला जैसी मैं वो वैसे आप दिखा दो क्योंकि अलग बेस में अगर डिटेक्टिव वही जाता है तो लोग खुलकर बात नहीं कर सकते तो जो सिंपल सिंपल सिटी मेरे में है ना वही लेकर आप आगे बढ़ू तो बोले ठीक है फिर उन्होंने मेरा पहला इंटरव्यू किया इंटरव्यू करने के बाद सब एपिसोड में उनको मेरा अच्छा लगा तो उन्होंने फर्स्ट एपिसोड इंदिरा जी का उन्नीस नवम्बर का जब बर्थडे रहता है उसी टाइम पे मेरा आर्टिकल इंटरव्यू उन्होंने टीवी पे दिखाया वो दिखाने के बाद काफी लोगों को पता चला कि मैं ये काम करती हूँ और मेरा एड्रेस वगैरह वो सब उन्होंने दिखाने के बाद दिल्ली दूरदर्शन के पास इतने खद गए कि उनके दो दो रूम खद से भर गए कि, कि रजनी पंडित का एड्रेस दे दो फिर मेरा बिजनेस बढ़ता गया और अनुभव से मैं बहुत कुछ सीखते गई yes. कभी भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड What are these cases that happen across the streets of Mumbai that don't reach the cops for whatever reasons? And I think you would be the best person to tell me this. So, out of the 80,000 cases that you have solved till now, what are the most common type of cases that come to you? Common time cases to so family drama both. Family... क्या होता है कभी कभी स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं कभी वाइफ और हस्बैंड के बारे में आते हैं कि वो वो ऑफिस में जाती है तो है तो लेट क्यों आई उनका अफेयर चल रहा है क्या कि हस्बैंड लेट आया है तो उसका कुछ चल रहा है क्या बहुत अनबन होती है झगड़े आखिर तरह फिर वो बोलते प्रूफ दिखाओ तो प्रूफ जमा करने के लिए लोग हमारे पास आते हैं और मर्डर केस है किडनेपिंग का केस है या कोई चोरी डकित का केस है तो वो तो केसेस हमेशा आते ही रहते हैं लेकिन ज्यादा फैमिली ड्रामा का ज्यादा रहता है अच्छा तो, तो इसमें भी आप मर्डर हाँ। केस में भी मैं एक जगह पे सर्वेंट बनकर रुकी थी जिनके ऊपर इल्जाम था और पुलिस बोल रहे थे कि जब तक कुछ हमारे हाथ में नहीं आता है कि जिसने जिसका मर्डर हुआ है उसका मर्डर करने में इनका ही हाथ है क्योंकि लोग बोलते हैं ना इनका हाथ है इसको पकड़ लो लेकिन बिना उस प्रूफ के बड़े लोगों को हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो उन्होंने मुझे बोला था तो हमने बाहर से काफी कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था तो मैं उनके घर में सर्वेंट बनकर रुकी छह महीने तक मेरा एक काम चल रहा था और उसके बाद मैंने मुझे वो जो आदमी जिसको उन्होंने बोला था अपना बेटे का हत्या करने के लिए वो आदमी उसको मिलने के लिए आया था आने के बाद एक बार तो चला गया सेकंड टाइम में जब वो आया तो मैंने मेरे पैरों पे छुरी गिरा कर फोन भी नहीं थे तो मैंने वही किया कि कि फोन नहीं थे तो नीचे जाकर उन्होंने बोला ब्लड आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास किया और वो लोग दस पंद्रह मिनट में पुलिस को लेके आई और दोनों को पकड़ के लेके गई डू यू चूजिकुलसंग तो मेरा ना पहला डिस्कशन है वो डिस्कशन के बाद मुझे अगर लगा जेन्यन है केस और इसमें कुछ होने वाला है तो ही मैं केस लेती हूँ इसके लिए सब जगह पे लोगों को मालूम है कि रजनी पंडित बेवजह पैसा लेने वाली नहीं है जिसमें कुछ सक्सेस होने वाला है या डाउट है तो वो क्लियर करने के लिए इनके पास जाएंगे तो नहीं तो बाकी के लोग कैसे बोलते हैं यार केस आइए ले लो कुछ भी बता दो वैसा मेरा नहीं है मैं पूरा डिस्कशन करती हूँ कि आपको क्यों लग रहा है उसकी वजह क्या है और अगर कुछ सच निकला तो आपका आगे का स्टेप क्या रहेगा कभी कभी क्या है कि कि अचानक कुछ कुछ बातें को पता चलता है 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 तो 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 आदमी नहीं नहीं सकता नहीं तो सकता सकता ऐसा हुआ उसमें कर कर भी पहले उनकी मानसिकता कैसी है, क्या है वो सब मैं चेक करती हूँ उसके बाद में थिंग्स यू नो हाउेंटीन केसेस uh, नहीं डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे तो कोई आदमी बोलेगा नहीं इसके लिए अभी एक मेरे पास तो बंदा आया था उसको वाइफ के बारे में बहुत ही डाउट था कि उसका कुछ ना कुछ अफेयर है उसके मन में वो पक्का बैठा था हमने एक महीना तक उनका कान देखा उनका कुछ सीधा सा जाने का गाड़ी में बैठने का गाड़ी से ऑफिस जाने का सब कुछ अच्छा उसका चल रहा था लेकिन उसके मन में इतना शख बैठा था कि उसके बाद वो बोला कि आपको कितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप जूटे लोग मेरे वाइफ के इधर भेज दो और मुझे उसको पकड़ना है कि ये ऐसे गलत काम कर रही है तो ऐसे लोग होते हैं कभी कभी क्या होता है कि झूठा कुछ रिपोर्ट देने के लिए लोग अपने को काफी अमीज दिखाते हैं तो अपने को खुद को बेचना नहीं है अपना नाम है अपना काम अच्छा है तो पैसा आज है कल नहीं है तो मेरी सोच बहुत अलग है पैसे के बारे में इसके लिए लोग आज विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं और एक आदमी आया था कि उसको वो बोलता है कि हम लोग कॉलेज में स्कूल में एक साथ थे अभी उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है तो मुझे एड्रेस दे दो मेरे को एड्रेस मिला था लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट लगा वो बंदे के बारे में तो बोलता है मैंने पूछा उनको कि आपको क्यों चाहिए एड्रेस नहीं काफी महीनों से हमारा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं और तभी सब सोशल का कुछ नहीं था उस टाइम पे

क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करती है वो चाहे औरत हो या मर्द हो अपने ऊपर कुछ इल्जाम नहीं आएगा तो एक बंदा जिनका अफेयर चल रहा था किसी औरत औरत के साथ और उसने बोला कि ये मेरे वाइफ को थोड़ा डाउट आया है तो मुझे उसको रास्ते से हटाना है और रास्ते से हटाना है तो वो जिसके साथ उसका अफेयर चालू था ना उसको भी डाउट था कि इसका और तीसरी जगह पे भी अफेयर है तो उन्होंने मेरे पास सलाह मांगी थी कि मैं अभी क्या करूं तो मैंने उनको बोला कि जैसे वाइफ का कुछ करता है वैसे तेरा भी कुछ कर सकता है बोल नहीं सकते तो जैसे इनका मैसेज आपको आएगा वो बोला था कि जो कुछ होगा तो मैं आपको फोन पे बता दूंगा कि और उसने उसको मैसेज किया वॉइस मैसेज और वो मैसेज उन्होंने संभाल के रखा था और जब उनको पता चला कि ये अपने साथ भी बेईमानी करती है तो उसका इस्तेमाल तो लोग कैसे कैसे होते हैं कि प्यार के खातिर खुद की वाइफ का खुद के बच्चों का कुछ ये नहीं सॉल्व कर सकते प्रॉब्लम या उनको मारने की कोशिश करते हैं रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो प्रूव करना का, खुद का भी एक्सीडेंट करवाते है एक्सीडेंट में मेरा भी कुछ हुआ है और वो भी ऑन दी स्पॉट गई तो लोगों को पता नहीं चलता है तो वो सच्चाई क्या है और उसके पीछे क्या कारण है वो सब देखना बहुत ही जरूरी होता है मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं एक तो केसेस ऐसी थी ऐसा था कि उसका उसने वाइफ जिसके साथ एंगेजमेंट हुई थी उनको ऐसे बताया था कि देखो मेरी तो एंगेजमेंट तो हो गई है और मेरा किसी के साथ अफेयर था तो अभी बिल्कुल ब्रेक हुआ है और मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है मेरे को जॉब के लिए तो बेचारे बंदे ने विश्वास रखा फिर वो किसी काम के लिए और जगह चला गया वो जाने के बाद उसको थोड़ा डाउट हुआ इनका अफेयर वापिस चालू हो गया है तो उसने वो, उसका एड्रेस वगैरह निकाल के उसके वाइफ को कांटेक्ट किया तो उसके वाइफ ने भी बोला कि बात सही है लेकिन मेरे हस्बैंड मानते नहीं है कि उनका अफेयर है वो बोलते तू पागल है ऐसी है वैसी है कुछ भी शक करती है तो उसके बाद वो बोले कि हमें इन दोनों को साथ साथ पकड़ के तो पब्लिक के सामने लाना है तो वो एक जगह पे गाड़ी लगाते थे वो गाड़ी का हमने पूरा सब आजू बाजू का लोकेशन वगैरह वो सब प्रेस किया वो करने के बाद जब ये लोग दोनों जिनके साथ उसका एंगेजमेंट हुआ था वो लड़की की और, और वो जो सरी वैसा बनना था तो इन दोनों को उनको गाड़ी की की, की हमने डुप्लीकेट उन लोगों को बोला था कि आप की तैयार करो और गाड़ी में ही उनको ऐसे, ऐसे इसमें देखा हालत में कि उन्होंने वहाँ की पूरी वीडियो शूटिंग की गाड़ी से उनको उतारा और बहुत ही शॉर्ट कपड़े में और दोनों भाग पे चले गए लेकिन पूरा हंगामा हुआ तो उस ऐसे टाइम पे बहुत ही मजा आता है कि देखो आदमी कितना झूठ भी बोले लेकिन आदमी पकड़ा तो जाता ही किसी भी आदत में Are there any unsolved cases that you have faced in your career till now? अपने हसबेंड को फोन किया और हमने उनको बताया था कि वो कहाँ है और उसको बोला था कि पूरा अपना रिपोर्ट आने के बाद ही तेरे को जो एक्शन लेनी है वो ले, लेकिन उसको क्या कंट्रोल नहीं रहा रोज डेली का डेली वो पूछती थी और रिपोर्ट के आपने को कोई पेमेंट है तो हम रिपोर्ट डेली का डेली बोल देते वैसे उनको करने के बाद उसने बोला आप कहाँ है वो मुझे पता चला है और मैं देखो अब यार नहीं मैम समझा नहीं आप स्टार्टिंग अब हम लोग सॉरी मैम का हम समझा नहीं हम अब क्या था अब अब और एक बार दोरा थी क और वो बंदा झूठ बोल रहा था तो वो एक दिन उनके कुछ बच्चों का बर्थडे था और बर्थडे पे वो बोला कि मैं आता वो पैसे भी करके घर गर पे लेकिन वो आया नहीं तो उसको उसे मेरे को हम लोगों को पूछा की वो कहाँ आए तो हमने बोला कि इधर इधर वो बैठे इसी पार्लर में वो बैठे थे वो लेडी के साथ तो हमने उनको बता दिया था तो उसने गुस्से से बता दिया कि देखो तुम किधर है मुझे मालूम है मैं अभी आके तुम लोगों को रंगे पकड़ लेती तो क्या हुआ बंदा अलर्ट हुआ वहां से तुरंत निकल आया और उसका पीछा कौन करता है वो देखने के लिए उसने गाड़ी स्टार्ट कर बहुत बड़ा आदमी था फिर हमारे आदमी भी बहुत ये हो गए और वो बेचारे भागते भागते कैमरा एक जगह दिया ये किया और बच गए लेकिन लोग जब अपने आप पर कंट्रोल नहीं करते और जो अपने को मकसद सक्सेस करने का होता है वो आधा अधूरा रह जाता है जब ये बात सीक्रेट नहीं रह जाती है तो काफी तरह से मेरा 99% नाइन परसेंट केसेस सक्सेस होता है मैं पहले से बोल देती हूँ अपने को अगर पूरा सक्सेस चाहिए और कोर्ट में ये जब बात आपको दिखा नहीं है पे, तो आप अपने मुंह पे काबू रखो तो कंट्रोल करो कितना भी गुस्सा है कुछ भी हो जाए आपको बहुत ही इमोशनली या कुछ लगे तो भी आप अपने आप पर कंट्रोल तो करो ये मुझे साइकोलॉजिकल तौर तो पर, तो पर उन लोगों को समझाना पड़ता है तभी केस सक्सेस होती है

और जब बहुत काम आता है न, तो मैं हायर करती हूँ और काम उनका होता है दिमाग मेरा होता है क्या क्या प्रूफ कलेक्ट करने है फॉलो कैसे करने है गाड़ी कैसे चेंज करनी है किसी को पता चलेगा तो तुम्हारा ड्रेस चेंज करो तुम वेग डालो कुछ भी करो कर लेकिन काम सक्सेस होना चाहिए कभी कभी इलेक्शन में क्या होता है कि हम किसी को ये लोग बड़े जो पक्ष प्रमुख होते हैं वो टिकट देने के पहले जानना चाहते हैं कि उनको उस एरिया में कितने लोग मानते हैं और ये अगर इनको हमने टिकट दिया तो वो चुनकर आएंगे क्या नहीं या ये हमारा पक्ष छोड़कर जाने वाले है ये सब देखने के लिए भी लोग आते हैं स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं जो किसी बुरी चीज का आदत बन जाते हैं तो वो उनका बोल नहीं सकते है शादी तय होती है तो शादी के बारे में लोग अपने बारे में पूरी डिटेल्स नहीं बताते हैं झूठ बोलते हैं कि मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ या कुछ है तो फिर वो भी चेक करना पड़ता है हाउ डू यू 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 रिक्रूट नो नो दैट हैव आर पीपल मेरे पास काम करते थे उन्होंने खुद की एजेंसी शुरू की है उनके पास ज्यादा काम नहीं रहते हैं तभी बोलते हैं मैडम कुछ काम होगा तो हमें दे दीजिए तो जो मुझे मालूम है कि ये बंदे बेच वाले नहीं है ये काम करके देने वाले उनको ही काम देती हूँ क्योंकि लोग मेरे भरोसे पे आते हैं काम देने के लिए और वो भरोसा एक बार टूट जाए तो कोई काम नहीं देगा उसकी कीमत है कि नहीं, ये भरोसे पे आए तो उनको अच्छी तरह से रिपोर्ट मिलनी चाहिए अभी कितना फॉरेन कंट्री से आता है मुंबई से आता है हर जगह से लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं

जो अभिनय करने के लिए भी खुद में कुछ क्वालिटी चाहिए हम कितने भी प्रशिक्षण ले ले लेकिन वो अपने आप को करना पड़ता है तो ये जो सब चीज है वो पैदा इससे होनी चाहिए तो ही सक्सेसफुल होते है तो अपने यहाँ तो लाइसेंस डिटेक्टिव को नहीं है जो है अपने बलबूते पे करो आज बहुत बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर है इनकी वजह से उन्होंने मुझे काफी हेल्प की है और उनकी मदद से ही मैंने काफी काम भी किया है उनका भी कोई काम होता है तो वो हमें बताते हैं की कि देखो किसी को खंडन के बारे में फोन आया है तो इसके पीछे किसका कारण है कभी कभी पुलिस वाले भी खंडन ही मांगते तो वो भी काम आता है कि डिपार्टमेंट के तरफ से ऐसा ऐसा किसी बिल्डर का काम था और बिल्डर ने बताया था कि मेरे पास ये लोग पांच लाख रुपए मांग रहे हैं तो कौन आदमी है तो हमने पूरी छानबीन करके पूरा फिल्डिंग लगा के सब काम किया और पता चला कि एक जो बंदा है वो किसी को मिलके पुलिस वाला किसी उसको बोलता है कि तू जाके ऐसे ऐसे धमका दो फोन का कार्ड फेंक दो और पैसा वो पैसा मिलेगा वो लेके आना तो ऐसे भी होता है तो डिपार्टमेंट में वो भी काम रहता है तो काम रहते हैं लेकिन हम नाम एक्सपोज़ नहीं करते लेकिन बहुत जो भी है, अभी भी डिपार्टमेंट में कोई लोग है जो हमारी मदद लेते हैं और हमें भी मदद करते uh, you know, you know? हैं है किसी को हम लोग खाली इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफ के तौर पे कुछ दे सकते हैं लेकिन आपने अगर बहुत बताया कि हमारा उनके ऊपर ये है हमारे पास प्रूफ है हम उसे उठा कर लेके गए जेल में डाला ऐसा नहीं होता है तो ये बंधन हम लोगों को आता है प्राइवेट डिटेक्टिव लेकिन आज डिटेक्टिव समाज के लिए बहुत ही जरूरतमंद चीज बन गई लोगों का पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं रहता है लोगों को और किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहता है और डिटेक्टिव को कुछ लेना देना नहीं है उनको खाली रिपोर्ट कलेक्ट करके आदमी सही है गलत है यही बताना होता है तो वो भी बंदे पैसे से बेचे हुए हैं कि नहीं कि वो छानबीन करके आप उनको हायर करके उनकी मदद लेकर समाज को इसकी जरूरत है तो गवर्नमेंट को उसको लाइसेंस देना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ से देखती नहीं है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं, तो नहीं है तो वो हमारे लिए कहा से टाइम निकालेंगे

वो सही है या गलत है तो सही भी आदमी हो और उसका फॉलोअप कर रहे तो तो रिपोर्ट में सही आएगा जो मन का शर्क है वो दूर हो जाएगा तो प्राइवेसी ब्रेक का इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तो लोगों को जरूरत जर है कोर्ट बिना प्रूफ से कुछ लेती नहीं है कोई बंदा बोलता है मैं कुछ कमाता नहीं है लेकिन वो कमाता है तो उसका प्रूफ चाहिए ये बात होती है तो प्रूफ कैसे कनेक्ट करने का तो डिटेक्ट को दिमाग लगाना पड़ता है उसकी शूटिंग करनी पड़ती है तो प्राइवेसी ब्रेक होने की वजह से हम लोग ज्यादा करके प्रूव देते हैं लोगों को कि ये सोचना चाहिए कि डिटेक्ट कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहे वो लोगों को समाज को एक न्याय दे रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं उनको सामने ला रहे हैं तो उसमें क्या झूठे बुरा है तो उसका हंगामा होता है अरे प्राइवेट डिटेक्टिव ने ये किया है वो किया है लोग पुलिस के पास बिना जाकर अगर प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आते हैं हेल्प लेने के लिए तो उसमें गलती क्या है वो भी हेल्प ही करता है ना हाँ उसने ब्लैकमेल किया है किसी को धमकाया है पैसा लिया है तो बात अलग है तो अब अरेस्ट करो करो कुछ भी करो, लेकिन ऐसा जब नहीं होता है तो किसी को तकलीफ देना जरूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले समझदार होते हैं उनको मालूम होता है कि इनका काम भी हमारे इनसे अच्छा है अभी कल मैं एक जगह गई थी वह हमारे साथ फोटो कि आप कितनी बड़ी हस्ती है तो किसी को किसी की कीमत नहीं होती है वो पैसे के पीछे होता है तो बोलते है नहीं इनके ऊपर ये केस डालो डालो ऐसा होता है एक बार हमारा बैंड्रा में भी काम चल रहा था और वहां जब काम चल रहा तो वहाँ प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे लोग काम कर रहे थे और पुलिस की गाड़ी हुई पत्थर थी कोई गाड़ी थी और उनको उठा के लेके गए और बोलते कि आप यहाँ खड़े है आप किसी को धमका रहे हैं या पैसा ले रहे हैं तो हम लोग आपके ऊपर ये केस डालेंगे और मैं वो कोई फंक्शन था तो मैं बाहर थी मेरा एक प्रोग्राम था एक्टर के साथ तो।, तो हम लोग वहां गए थे तो मैंने उनको बोला कि हम आते हैं आप केस की बात ओ, वो वो औरत के सामने पूछ रहे थे कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं अभी प्राइवेसी करना है अभी है, हमें किसने काम दिया है क्यों दिया है वो आप पहले समझ पे उसके बाद कुछ करो फिर रात को मैं ग्यारह बजे गई उन्होंने ऑफिसर से बात की उसके बाद वो बोलते कि हमारा सोशल सर्विस लीग है हमारी डिपार्टमेंट है हमारी डिपार्टमेंट मदद करेगी लोग तुम्हारे पास क्यों आते मैंने मतलब लोगों को पूछो वो हमारे पास क्यों आती है वो लोगों से आप पूछो तो क्योंकि आप इतना वक्त दे पाते हैं कि व्यक्ति कहाँ से कहा जाती है उनकी घर में उनकी बहू रात बेरात घर पे घर से निकल कर बाहर जाती है उसका कुछ रात को हुआ तो इल्जाम ससुराल वालों के ऊपर आएगा और वो जानना चाहते कि वो रात रात कहाँ तीर रहती है और आप बोलते हैं हम लोगों के ऊपर केस डालेंगे और उसके बाद दो चार दिन के बाद उनका बेटे का आया तो होते हैं। मैंने वो तभी उनको बोला कि देखो, क्या हुआ है बोल तो ऐसे भी होता है कि डिपार्टमेंट के लोगों के बच्चे क्या करते है? उनको पता नहीं होता कितने डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास आते हैं घर में चोरी होती है और बेबी को मारना होता है आपके घर चलते हैं तो भाई बाहर हंगामा बचेगा कि इस डिपार्टमेंट में तो हमारे पास इतने डिपार्टमेंट के लोग हैं हम बोल नहीं सकते तो आप मेरा काम करके दे दो डिटेक्टिव तो डिटेक्टिव अन, जैसे अन्ना का निवारा है वैसे समाज के लिए जरूरतमंद चीज हो गई है और उसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए लोगों को काम भी मिल जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता भी चलेगा नीचे से पकड़कर ऊपर तक क्या क्या चल रहा है ना उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा

उनको डर रहता है कि ये लोग उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे पैसा नहीं मांगेंगे या पे न्यूज पेपर में आएगा इनको पकड़ा है क्योंकि पब्लिसिटी के पीछे जो रहते हैं उनको पहले न्यूज पेपर में कोई किसी का कंसर्ट नहीं रहेगा तो उसका भी नाम दिया जाता है दूर दूर का रिश्ता भी भी हो तो बोलते है नहीं इनका बंदे को हमने पकड़ लिया है अभी मेरे पास बहुत बड़े कमिश्नर लेवल का पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं दूसरे लेवल का उनका भी कुछ प्रॉब्लम था वो बेचारे मेरे पास है बोलता है कितने महीने से लेकिन हम डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकते है क्योंकि तो वो गलत उसका ये होगा कि अरे इनका बच्चा देखो ये इतने बड़े कोस पे है वो क्या कर रहा है तो लोगों को अगर सही वक्त पे अपने को बीमारी क्या है उसका पता चलता है तो लोग इलाज कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाके लेकिन कुछ मालूम ही नहीं है आजकल क्या है कि एक तो पासवर्ड रहता है बच्चों के फोन में बच्चों को फ्रेंड सर्कल क्या है वो कहा, कहा रात भर रहते है क्या करते है कुछ भी पता नहीं होता है कोई लेडी ब्लैकमेल कर सकती है कुछ भी हो सकता है बड़ी उम्र की औरत है जिसके जाल में आए, बच्चे फंस जाते हैं तो ऐसा जब होता है तो सही वक्त पे सही बात का पता चलता है तो हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं बीमारी पे इलाज कर सकता है ये सोचना चाहिए hmm. जब सोच बदलेगी तो अपने आप डिटेक्टिव को लाइसेंस मिल जाएगा

और वो पूछने के बाद मैंने बोला बहुत प्यास लगे तो उसने मुझे घर में बोला कि अरे प्रेगनेंटा उसने पानी देने के लिए वो अंदर चली गई मैंने वो फोटो उठाया वो और तो जैसे काम आता है ना वैसे वैसे दिमाग चलता है कि अभी हमें क्या बेच लेना है कभी अंधेपन का लेते है कभी गूंगे बहरे का लेते हैं कि कहीं सास बहू में अनबन चल रही है हसबैंड टेंशन में कि किसके बाजू में मैं खड़ा रहू तो सच्चाई क्या है तो मैं गूंगे बहरे का रोल करके उनके घर में बैठी हुई दोस्त किसका है अरे वो देखती हूँ So now I'm I'm really curious. Uh, you just mentioned that you had described yourself as a as a maid. Uh, you know, uh, as a deaf person, you have gone places uh, wearing a burqa. Have you ever been caught in the midst of an investigation? Very alert, right?

इसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं वो आदमी भरोसे भरोसा करना चाहिए कि नहीं वो देखने के लिए प्राइवेट डिटेक्टर का रोल हम लोगों को करना पड़ता है सच क्या है झूठ क्या है सच्चाई क्या है इसमें ये देखने के लिए डिटेक्टिव की जरूरत होती है आई पर्सनली थिंक प्राइवेट डिटेक्टिव्स प्ले अ वेरी यूनिक रोल इन सोसाइटी

अलग रिश्ता होता है तो ऐसे हर चीज के लिए लोगों को को कभी कभी क्या ऐसे ऐसे रिश्ते पर कोई विश्वास नहीं करते कि ये रिश्ता होगा या नहीं सच में तो लोग हमारे पास आके कुछ सच्चाई तो लोगों को बहुत ही जरूरी है कि, कि किसी के पास शेयर करो शेयर करने वाली व्यक्ति सही होनी चाहिए जो उसका गैर फायदा नहीं उठाएगी तो वो सही कौन है क्या है वो पहचान कर उन्होंने उसको अपनी बात मन की बोलनी चाहिए और सोसाइटी में ये बहुत ही जरूरी है डिटेक्टिव के पास आप जाकर जो भी है उसकी तलाश करो सच्चाई क्या है वो देखो और फिर जो डिसीजन लेना है वो आप ले लो क्या होता है कि जब व्यक्ति को बहुत बड़ी होती है नाम वाली और पुलिस के पास जाके उनको मालूम है कि आमने सामने होता है फिर वो झगड़ा और बढ़ता है क्या प्रॉब्लम होते हैं तो जो घर में ही बात रहेगी चार दीवारों के अंदर बाहर कहीं लीक नहीं होनी चाहिए ऐसा जब उन्हें लगता है तभी लोग प्राइवेट डिटेक्टिव के पास आते हैं कि मेरा बेटा क्या करता है मुझे जानना है खाली मुझे नहीं उनके पास जाना है और वहाँ ऐसे कि माहौल अलग रहता है बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं आप कैसे यहाँ आएंगे डिटेक्टिव के पास तो असिस्टेंट या कोई अकेली होगी मैं तो मेरे इसमें अकेले ही बैठी हूँ और लोगों को बोलती हूँ कि आप कोई भी नहीं है आप हमारे साथ बात जो भी है शेयर करो उसमें से हम हल निकाल सकते हैं तो लोगों को प्राइवेसी अपनी ब्रेक नहीं करनी चाहिए इसके लिए लोग हमारे पास आते हैं सलाह मेन पार्ट रहता है कि प्राइवेसी हो प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए वो बड़ा हो छोटा हो गरीब हो अमीर हो बहुत ही फेमस बंदा हो वो वही चाहता है हमारी बात हमारे तक सीमित रहे इसके लिए तो लोग आज हमारे पास आते हैं इतने साल से मैं ये बिजनेस कर रही हूँ आज तीस पैंतीस साल मुझे ये प्रोफेशन में हुए है लेकिन एक विश्वास मैंने जनता के रखा है कि हमारे से बात कहीं लीक नहीं होगी और अभी तक कितने प्रेस वाले आते मेरे पास एक्टर्स आते है पॉलिटिशियंस आते हैं बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं महासंचालक कमिश्नर सब को लेकर मैंने सबको देखा है लेकिन अभी तक मैंने किसी प्रेस वाले को इन्फॉर्मेशन है ना किसी को बाहर बोले की यह ऑफिसर का मैंने काम किया है यही इस बंदे का मैं जानती हूँ और ना उनके साथ मैं फोटो शेयर करती हूँ ना कुछ भी करती हूँ क्योंकि तो 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 उसकी जरूरत नहीं है जो काम करती हो मेरे लिए और उनके लिए सीमित है बस हुआ और चाहे जिंदगी में आगे अगर मेरे को पहचान दिखाना चाहते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप कुछ चलेगा तो हम हाय लोग करेंगे नहीं चलेगा तो हम दिखाएंगे भी नहीं